हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन के द्वारा सलमान खान को ग्वालियर का शहर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जकीर रहमान खान के द्वारा सलमान खान का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जकीर रहमान खान ने सलमान खान को ग्वालियर शहर अध्यक्ष किया मनोनीत। ग्वालियर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष जकीर रहमान खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरीफुद्दीन नियाजी एवं राष्ट्रीय सेक्रेटरी राहिल खान, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद इदरीस खान, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राशिद अली हैदरी, प्रदेश संगठन प्रभारी इमरान खान एवं कार्यक्रम अध्यक्ष मोहम्मद इमरान, संभागीय अध्यक्ष वसीम खान नियाजी, जिला अध्यक्ष रोशन मिर्जा की सहमति से सलमान खान को शहर अध्यक्ष ग्वालियर के पद दिनांक 9 अगस्त 2022 से आगामी आदेश तक के लिए मनोनीत किया गया है। सलमान खान को शहर अध्यक्ष ग्वालियर के पद पर मनोनीत किए जाने से लगा बधाई का तांता। बधाई देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जकीर रहमान खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरीफुद्दीन नियाजी एवं राष्ट्रीय सेक्रेटरी राहिल खान, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद इदरीस खान, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राशिद अली हैदरी, प्रदेश संगठन प्रभारी इमरान खान, कार्यक्रम अध्यक्ष मोहम्मद इमरान, संभागीय अध्यक्ष वसीम खान नियाजी, जिला अध्यक्ष रोशन मिर्जा के साथ प्रदेश अध्यक्ष बिहार मोहम्मद नसीम रब्बानी, प्रदेश महासचिव बिहार मोहम्मद सनोव खान आदि लोगों ने बधाई दी। ये भी हमारे संग में जो भी काम करेंगे, कानूनदारों काम करेंगे और हम सब मिलजुल काम करेंगे, अपने संगठन को बुलंदी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। प्रदेश संगठन प्रभारी मोहम्मद इमरान खान, आप बताएं कि शहर अध्यक्ष से आप क्या चाहते हो? शहर अध्यक्ष से हम यही चाहेंगे कि ग्वालियर शहर का अच्छा से अच्छा काम करें, हर गरीबों की समस्याओं को सुलझाएं, कानून के दायरे में रहकर सारी समस्याओं को सुलझाएं और कानून के दायरे में रहकर सारे अपन को मिलजुल के काम करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन शहर अध्यक्ष सलमान खान से अपेक्षा करता है कि कब्रिस्तानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे।